ब्रह्म तेज चाहिए तो बृहस्पति की उपासना करो, संतान चाहिए तो प्रजापतियों की आराधना करो, इंद्रियों में बल चाहिए इंद्र की उपासना करो, घर में चाहते खूब भंडार भरे रहे माता अदिति की उपासना करो, लंबी आयु के लिए अश्वनी कुमारों की पूजा करो, खजाना चाहिए धन चाहिए कुबेर की पूजा करो, वरुण की पूजा करो, और विद्या चाहिए तो शिवजी की उपासना करो। परीक्षित ने कहा, गुरुजी जिसको बहुत कुछ चाहिए, अब हमें बल भी चाहिए, बढ़िया पद भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, हम किसकी करें। अच्छा, कुछ ऐसे भी महात्मा है, महापुरुष है जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो किसकी करें। बोले, जिनको सब कुछ चाहिए अथवा जिनको कुछ नहीं चाहिए, वो सब केवल और केवल श्री हरि का स्मरण करें, वो सब कुछ देने वाले हैं, और जो कुछ नहीं चाहता है उसको मुक्त करने वाले हैं। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुष परम, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग से भगवान का भजन करो। पर महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव कृपा करके ये तो बतलाइए कि भगवान इस सृष्टि का सृजन कैसे करते हैं। तो पहले मंगलाचरण किया, भगवान का स्मरण किया, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोधो लीलया गृहीत चे शक्ति तुत्याज देहिनाम अंतरभवायानुपलक्ष वर्तमने। बहुत सुंदर मंगलाचरण श्री सुखदेव जी ने किया है, फिर सुनाया है भगवान कैसे सृष्टि का सृजन करते हैं। एक से अनेक होने की इच्छा होती है तो वह अपने से प्रकृति को प्रकट करते हैं। ये प्रकृति शक्ति स्वरूपा है, भगवान की शक्ति ही प्रकृति के रूप में प्रकट होती है। उससे महतत्व महतत्व से सत्व रज तम त्रिगुण ये प्रकट होते हैं, और तमोगुण के द्वारा पंच महाभूत। पंच महाभूत कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांच महाभूत हैं। इनकी पंच तन्मात्राएं हैं शब्द रूप रस गंध स्पर्श। पृथ्वी जो है इसका मुख्य गुण क्या है? गंध। पृथ्वी गंधवती है, पृथ्वी में रूप भी है, गंध भी है, रस भी है, शब्द भी है, स्पर्श भी है, पांचों गुण है। पृथ्वी के ऊपर है जल, जल जो है उसने गंध को ग्रहण गंध को त्याग दिया, जल में अपनी कोई गंध नहीं है, कोई अलग से सुगंध दुर्गंध मिल जाए अलग बात है। तो जल जो है उसका मुख्य गुण है रस। उसके बाद है अग्नि, अग्नि का मूल गुण है रूप। उसके बाद है वायु, वायु का मूल गुण जो है वो है स्पर्श। उसके बाद है आकाश, आकाश का मूल गुण है शब्द। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इस प्रकार पंच महाभूत के ये पांच गुण हैं जिनको पंच तन्मात्रा कहते हैं। ये भगवान नारायण की कृपा से प्रकट हुई। पंच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, प्राण, इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता, मन, ये सब हुआ, लेकिन सब निष्क्रिय थे, कोई क्रिया नहीं हो रही थी, विस्तार नहीं हो रहा था। तो उस परम ब्रह्म ने इन सबको एक जगह संग्रहित करके एक पिंड बनाया, उस पिंड में प्रवेश किए, तो उस पिंड में प्रविष्ट होने से इसका नाम पड़ गया ब्रह्मांड।